दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा कि पिछला वीडियो हम लोगों ने कहाँ पर ख़त्म किया हुआ था। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों 28 नंबर चैप्टर का पार्ट टू है ये। तो पहले यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको पहले वो वीडियो देखना चाहिए जाके, क्योंकि उसमें मैंने आपको फार्मूले के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद मैंने यहाँ तक आपका सोल्यूशन कराया हुआ था क्वेश्चन का 8 नंबर तक, और उसके बाद मैंने बोला था 9 नंबर से मैं आगे कराऊँगा, और आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दिया था। तो अभी तक उसने उस क्वेश्चन का किसी ने आंसर नहीं दिया, और 12 नंबर क्वेश्चन था 10:17 to 10:20, तो इसका अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया हुआ है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आप आंसर नहीं देंगे तो हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आगे इसको अभी सॉल्व करा दूंगा। लेकिन यदि आप लोग आंसर नहीं देंगे तो आपका कुछ जो भी आपके मन में हो, तो 9 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। उसके पहले यदि आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी आगे का वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास दोस्तों सबसे पहले पहुंचेगी। तो 9 नंबर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है 10 3a × 10 2a × 10a। तो इसमें आपको बताना है इसका मान किसके बराबर होगा, तो ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसका जो सोल्यूशन बताऊंगा उसमें आप एक क्वेश्चन करेंगे कि हम इसको इसी तरह क्यों सॉल्व करें। तो देखिए अभी आपका आंसर मिलेगा। देखिए 10 3a 2 है और 10a है, तो हम यदि इसको 10 3a − 10 2a लिखें तो क्या आएगा, 10a आएगा। उसके बाद देखिए इसका फार्मूला खोलते हैं, 10 3a − 2a का फार्मूला क्या होता है, 10a − b। तो 10 3a − 10 2a अपॉन, इसमें जहाँ ऊपर माइनस तो यहाँ माइनस, अगर नीचे ऊपर माइनस है तो नीचे क्या लगाते थे, प्लस। तो 10 3a × 10a, तो इस तरह दोस्तों इसको कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 10 2a होगा दोस्तों, यहाँ पर 2a हम लोग को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी 10a की कमी है, तो इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने 3a − 2a लिखा था। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जब 2a − a करेंगे तो वहाँ पर आपका 10 3a नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 3a − 2a किया है। तो यहाँ पर हम लोग को a भी मिल जाएगा, 3a ही है और 2a तो ऑलरेडी है, तो वही करेंगे 10a यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद 10 3a − 10 2a अपॉन में दोस्तों 1 + 10 3a × 10a। अब गाइस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 10a का इसमें कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे, तो 10a + 10a × 10 3a × 10 2a। अब देखिए 1 का इसमें कराएंगे तो सेम उसी तरह दोस्तों जो नोट है वही हम लोग नोट कर लेंगे, 10 3a − 10 2a। तब देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू क्या ज्ञात करनी थी, 10 3a 10 2a 10a। तो देखिए 10 3a 10 2a 10, तो इसको हम लोग पहले लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, 10 3a 10 2a × 10a। अब इसको क्या करेंगे, 10a को हम लोग राइट साइड में उठा के ले जाएंगे, तो क्या आएगा दोस्तों, 10 3a − 10 2a − 10a। तो देखिए यहाँ पर 10 3a 10 2a 10a का दोस्तों वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10 3a − 10 2a − 10a, तो यही दोस्तों हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया 10 3a − 10 2a − 10a। देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर मैच करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट नंबर है 9 का ए, 10 3a − 10 2a − 10a, तो ये यहाँ पर मैच कर गया। आगे बढ़ेंगे गाइस, 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, cos c + d × cos c − d। देखिए मैंने इसका जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको फार्मूला भी बताया था। क्वेश्चन है cos c + d उसके बाद × cos c − d, तो इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था, और मैंने बोला था यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, cos c + d का फार्मूला खोलेंगे, cos c − d का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको इतना करना नहीं है, क्योंकि आपका जो ये एग्ज़ाम है ऑप्शनल एग्ज़ाम है, मतलब कि सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ दोस्तों विकल्प लगाना होगा। तो देखिए कॉस का यहाँ पर आपको फार्मूला पता है, cos a + b × cos a − b, तो यहाँ पर ए की जगह सी है, बी की जगह डी है। तो देखिए यहाँ से दोनों फार्मूले हम लोग नोट करते हैं, तो एक हो जाएगा cos²c − sin²d, या करके दूसरा हो जाएगा cos²c, यहाँ पर दोस्तों डी होगा क्योंकि यहाँ पर बी लिखा हुआ, इसके बाद sin²
तो यहाँ पर दोस्तों दो फार्मूले मिले, एक मिला कॉज स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर डी, दूसरा मिला दोस्तों कॉज स्क्वायर डी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो यहाँ पर दोस्तों दो फार्मूले मिले, अब देखते हैं इसमें कौन सा यहाँ पर विकल्प मैच होगा। तो कॉज स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर डी, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉज स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर डी, यहाँ पर जो विकल्प है टेन का सी नंबर विकल्प यहाँ पर मैच हो गया। अब देखिए ये वाला क्यों नहीं मैच हो रहा है, टेन का डी, तो कॉज स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर डी है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए ये मैच नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो सी नंबर विकल्प है राइट हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और दोस्तों यदि आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि यदि आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, जल्दी से आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम तब तक क्वेश्चन को नोट करते हैं। कॉज 60 प्लस ए इंटू इंटू की प्लस होगा दोस्तों यहाँ, और कॉज 60 माइनस ए। तो ये दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मान आपको बताना है कितना होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला याद है, पता है, तो लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी होता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर उसके बाद जिसमें प्लस होता है वहाँ पर क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी की, बी की जगह यहाँ पर क्या है ए, फिर प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस 60 इंटू कॉस ए, जहाँ माइनस होता है वहाँ दोस्तों क्या लगाते हैं प्लस, तो साइन 60 इंटू साइन ए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा कि ये से ये दोस्तों कट जाएगा, बचा यहाँ पर, यहाँ पर कॉस 60 इंटू कॉस ए और कॉस 60 इंटू कॉस ए, तो दो बार हो जाएगा ये कॉस 60 इंटू कॉस ए। तो ये दोस्तों रिजल्ट आया। अब देखिए 2 इंटू कॉस 60 का मान आपको पता कितना होता है 1/2, उसके बाद कॉस ए, तो दो से दो कट जाएगा, बचेगा दोस्तों फाइनली यहाँ पर ए। तो ये दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो कॉस ए यहाँ पर देखते हैं कौन सा विकल्प मैच करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो 11 का सी नंबर विकल्प है यहाँ पर राइट हो जाएगा, यही दोस्तों विकल्प यहाँ पर मैच करता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैंने बोला था आप लोग सॉल्व करेंगे, तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी आपके पास चांस है कि आप इसको सॉल्व कीजिए। अभी भी मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर 10 17 टू 10 20 का मान निकालना है। यदि आप अभी भी कमेंट करके इसका आंसर नहीं देंगे तब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बिल्कुल दोस्तों ईजी क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके बताना है कैसे आपका आएगा। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1 प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आपको किसका मान ज्ञात करना है अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1 प्लस टेन बीटा का मान 2 दिया हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे, पहले इसका अंदर इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, फिर 1 का 10 बीटा में तो 10 बीटा हो जाएगा, और 10 अल्फा का 1 में करेंगे तो 10 अल्फा हो जाएगा, उसके बाद 10 अल्फा इंटू 10 बीटा कर देंगे, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 जिस तरह लिखा हुआ है इसको उसी तरह लिख लेते हैं। अब देखिए 1 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, तो 2 में 1 घटा देंगे दोस्तों कितना बचेगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस दोस्तों यहाँ पर होगा प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1। तो दोस्तों इतना है। आप देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ क्या मिलेगी कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो यहाँ पर 10 अल्फा इंटू 10 बीटा है इसको ले जाते हैं इस साइड, तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा हमने क्या किया दोस्तों इसको ले गए इस साइड, तो राइट साइड में ले जाएगा तो बचेगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। अब दोस्तों देखिए यदि हम यहाँ पर इसके बटे में ये ले आए तो देखिए आगे आपको आगे करके दिखाते हैं 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन, तो दोस्तों ये अभी दोस्तों है आपका इधर, तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो आ जाएगा डिवाइड में। अभी दोस्तों देखें तो मल्टीपल में है, मल्टीपल्स मल्टीपल में किसके है 1 के मल्टीपल में है, 1 के मल्टीपल में यदि इसको अभी इधर लाएं तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 1 माइनस कितना बचेगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। तो यहाँ से दोस्तों देखिए क्या बराबर कितना बचेगा 1 बचेगा, तो आपको पता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा किसका होता है 10 अल्फा प्लस बीटा का, क्योंकि यहाँ यहाँ पर यदि प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होता है, उसके बाद बराबर 1, तो
तो आपको पता है 1 में tan कितने का मान होता है, tan 45 का। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों यहाँ से कितना आएगा, 45 डिग्री। तो यही दोस्तों हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा, 45 लिखें या पाई बाई 4 लिखें। दोस्तों बात एक ही होती है, तो यहाँ पर जो 13 का ए है राइट हो जाएगा। 45 में हम लोग पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा पाई बाई 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए जस्ट इसका आप रिवर्स करके भी कर सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, और एक तरीका और है आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए अल्फा ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है पाई बाई 4, तो आपको यहाँ पर मान ज्ञात करना है 1 प्लस टेन ए और 1 प्लस टेन बी का, तो आपको मान ज्ञात करना। देखिए जस्ट इसका हम लोग रिवर्स कर देंगे तब भी आ जाएगा, या फिर आपके पास एक तरीका और है, ए प्लस बी को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 मतलब 45। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 45 माइनस बी। तो दोस्तों देखिए इसको हम लोग लिखते हैं अब, तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी। तो इसका दोस्तों मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, कितना आएगा, 1 आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा टेन ए। और दोस्तों देखिए मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं, यहाँ क्या करते हैं बी का पहले मान रख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए बी का मान निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बी बराबर निकालते हैं 45 माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग काटेंगे भी इसको, देखिएगा कैसे। तो 1 प्लस टेन ए, उसके बाद 1 प्लस टेन, अब बी की जगह दोस्तों लिख दीजिए 45 माइनस का ए। अब देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों आया है 1 प्लस टेन ए और 45 माइनस ए, तो यहाँ से आपको एक फार्मूला क्लियर हो रहा होगा, देखिए टेन ए माइनस बी। तो वही दोस्तों हम यहाँ पर फार्मूला खोलेंगे, आप दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे अभी। तो यहाँ आएगा टेन, देखिए टेन 45 माइनस का टेन ए, अपॉन में दोस्तों आएगा 1 माइनस, दोस्तों माइनस वाले में प्लस होता है, टेन 45 इंटू टेन ए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको इधर लिखते हैं 1 प्लस टेन ए, ये इसी तरह दोस्तों नोट हो जाएगा। आगे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर टेन 45 का मान आपको पता है कितना होता है, 1 होता है, तो प्लस 1 माइनस टेन ए हो जाएगा। उसके बाद इधर आपको पता है कितना होता है, 1 प्लस टेन ए हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए इसका हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो चलिए दोस्तों इसी पेज में हम लोग कहीं पर जुगाड़ से सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर जुगाड़ बन गया दोस्तों, तो देखिए पहले 1 प्लस टेन ए को इसी तरह हम लोग नोट कर लेंगे, 1 प्लस टेन ए। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन ए, इधर दोस्तों उसी तरह नोट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर नीचे वही है जो हमने एलसीएम लिया हुआ है। तो इधर बचेगा 1 माइनस का टेन ए, अपॉन में दोस्तों बचेगा 1 प्लस टेन ए। तो देखिए 1 प्लस टेन ए से 1 प्लस टेन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 1 2 बचेगा, और टेन ए से टेन ए, तो दो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका दोस्तों वही है जो मैंने अभी इसके जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। देखिए क्या था, 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी, तो इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए आपको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो जस्ट इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 1 इंटू टेन ए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 1 टेन ए, उसके बाद टेन बी, फिर टेन ए इंटू टेन बी। तो दोस्तों लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह आएगी, इसको ना लिख के हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी से सॉल्व करते हैं। पाई बाई 4 दिया हुआ है, दोनों ओर टेन लेते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4, दोनों ओर हम लोगों ने टेन लिया। अब देखिए टेन ए प्लस बी का फार्मूला खोलना है आपको, यहाँ पर क्या आएगा, टेन टेन ए प्लस टेन बी, अपॉन में दोस्तों आ जाएगा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, और टेन पाई बाई 4 का आपको मान पता है कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। अब जस्ट इसका दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो टेन ए आएगा, टेन बी आएगा, उसके बाद इधर आएगा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको निकालना था मान 1 प्लस टेन ए और इंटू 1 प्लस टेन बी। देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड हम लोग एक एक जोड़ते हैं, तो इधर भी एक जोड़ेंगे और इधर भी एक जोड़ेंगे, क्योंकि जब दोनों साइड एक एक जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इधर जब हमने जोड़ा तो क्या
क्या होगा, इधर एक एक हो जाएगा दो, इसको ले आते हैं दोस्तों इस साइड, तो टेन ए वन प्लस टेन ए टेन बी, उसके बाद टेन ए इंटू टेन बी हमने लिख लिया, उसके बाद इसको लिख लिया टू। अब देखिए इसमें कितना कौन मिल रहा, वन मिल रहा, तो हो गया वन प्लस टेन ए। इसमें कितना मिल रहा, टेन बी मिल रहा, तो हम लोगों ने टेन बी यहाँ से कॉमन कर लिया, तो बचेगा वन प्लस टेन ए। यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, दो। अब देखिए वन प्लस टेन ए एक कोष्टक में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा वन प्लस टेन बी, तो इज इक्वल टू टू। तो यही हम लोग को दोस्तों मान के करना था, वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, दो। तो जो मैंने यहाँ पर ये किया हुआ था, ये वाला स्टेप गलत था, यहाँ से इसका सोल्यूशन आप दूसरा सोल्यूशन यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, 15 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों सेम बिल्कुल 13 नंबर क्वेश्चन की तरीके है। चलिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ, वन प्लस कॉट अल्फा इंटू वन प्लस कॉट बीटा, ये दिया हुआ है बराबर दो के, तो अल्फा प्लस बीटा दोस्तों यहाँ से आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन इस तरह के होंगे सिर्फ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो चलिए दोस्तों करते हैं, तो वन का वन में वन हो जाएगा, वन का कॉट बीटा में तो कॉट बीटा, उसके बाद कॉट अल्फा में तो कॉट अल्फा आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद इसमें कराएंगे तो कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू टू बचेगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, कि ये वन है इसको इधर ले आते हैं हम लोग, तो क्या बचेगा, कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इज इक्वल टू टू माइनस वन करेंगे दोस्तों, वन आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इधर ही रखते हैं कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, और इधर क्या करते हैं दोस्तों, वन माइनस कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा करते हैं, इतना कर लिया दोस्तों। अब देखिए यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, क्यों लेंगे अभी आपको आगे बताता हूँ मैं, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा दोस्तों, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा माइनस वन, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कि इस कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा को यहाँ से उठा के हम लोग लेफ्ट साइड में राइट साइड में ले आएँ, क्योंकि यहाँ जो ये है ये एक के मल्टीपल में है, तो एक के मल्टीपल में तो इधर ले आएंगे इसके डिवाइड में, तो क्या बचेगा, वन इज इक्वल टू कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा माइनस वन अपॉन में कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। अब दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, जो ये माइनस है इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया हमने, इधर क्या बचेगा, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा माइनस वन अपॉन में कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। अब देखिए आपका ये फार्मूला बन रहा है कॉट अल्फा प्लस बीटा का, चलिए मैं आपको फार्मूला वो दिखा भी देता हूँ। कॉट अल्फा प्लस बीटा का होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट बी, तो सेम दोस्तों फार्मूला बन रहा है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल कॉट अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया दोस्तों, माइनस वन। तो यहाँ पर गाइस जो कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर आया वो आया दोस्तों माइनस का वन। अब आपको पता है कॉट में माइनस का वन कितने का मान होता है, पता होगा, यदि आपको नहीं पता चलिए वो बताता हूँ मैं। देखिए कॉट 135 का मान आप लोग निकालिए कितना होगा, तो क्या करेंगे, कॉट 1 इंटू 90 प्लस 45। तो देखिए 1 मतलब अभी ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, कुछ जुड़ रहा जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है कॉसेक और साइन, यहाँ पर क्या है कॉट, तो क्या लगेगा माइनस, क्योंकि दूसरे के घर में जा रहा, दूसरे के कोऑर्डिनेट में जा रहा, यहाँ पर वन है, यन जब सम विषम होता है तो चेंज हो जाता है, तो कॉट क्या हो जाएगा, टेन 45, तो आ जाएगा माइनस का वन। तो कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर टेन कॉट 135, तो कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 135, आपको काटना नहीं है इस तरह, तो कॉट तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया 135। तो आपको यहाँ पर देखते हैं कौन सा राइट होगा, तो यहाँ पर देखिए 135 इसमें किस तरह आ रहा है, इसमें आ रहा है दोस्तों यहाँ पर रेडियन में, तो रेडियन में हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, 135 इंटू पाई बटे 180, तो यहाँ पर हम लोग काटेंगे, देखते हैं कितनी बार जाएगा, तो यहाँ से हम लोग काटते हैं, पहले 5 से काट देते हैं हम लोग, तो आएगा 5 दूनी 10, 5 सते 35, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 तेई 15, 3 5 छके 30, तो अब 3 से
तीन नौ, नौ से काटते हैं, नौ तरीका 27, नौ चौको 36, तो कितना हो जाएगा 3π/4, तो यही हम लोग का दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 का जो ए नंबर विकल्प है राइट हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, उसके बाद साइन ए प्लस बी दिया हुआ है 1/2। तो ए का मान ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है, बट आगे एक शर्त दी हुई है, न्यूनतम धनात्मक मान होंगे, मिनिमम पॉजिटिव मान होंगे, जो भी ए और बी के मान आएंगे मिनिमम पॉजिटिव आएंगे, मतलब कि न्यूनतम होंगे तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पॉजिटिव मान आएंगे, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर पता है कॉस ए माइनस बी बराबर कितना होता है 1/2, तो कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू ये कितने हो जाएगा कॉस में, कॉस आपको पता है जितना साइन में होता है 30 का मान उतना होता है कॉस में 60 का मान, तो 60 हो जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर कितना आ गया 60। इक्वेशन वन, आगे देखते हैं साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, तो साइन आपको पता है ए प्लस बी तो कितना होता है, यहीं पर आपको अभी कुछ चीज़ समझ में आएगी। पहले जो है वो हम लोग सॉल्व करते हैं, 1/2 कितने का होता है आपका 30 का मान होता है, तो यहाँ पर जो 30 का मान होता है 30 लिखेंगे, साइन 30 का होता है तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। समीकरण दो मानते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, तो ए प्लस बी बराबर कितना यहाँ पर लिख देते हैं 30, इसको यहाँ से कट करते हैं 2a बराबर आ जाएगा 90, तो a बराबर कितना आया दोस्तों यहाँ पर 45। अब हम लोग यहाँ पर किसका मान ज्ञात करेंगे, b का, तो a प्लस बी बराबर 30 हो गया, तो a का मान 45, b का ये तो 30, तो b का मान दोस्तों कितना आएगा 30 माइनस का 45, तो कितना आया b का मान, b का आया माइनस का 15। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया था आपसे कि मिनिमम पॉजिटिव मान होगा, पॉजिटिव मान आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर b का मान कैसा आया निगेटिव। तो क्या करेंगे दोस्तों, आपको एक चीज़ और पता होगा कि साइन 1/2 और किस में मान होता है आपका, जब हम लोग सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाते हैं 90 के ऊपर, तो आपको पता है साइन 150 का मान कितना होता है दोस्तों, साइन 90 प्लस 60, तो ये जाता है कॉस 60, कॉस 60 1/2, तो एक दोस्तों वैल्यू ये भी होती है, हम लोग ये भी एक बार रख के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ कितना कर देते हैं, जहाँ हमने साइन 30 लिखा हुआ वहाँ 150 कर देते हैं, और इसको एकदम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो a माइनस बी बराबर एक बार 60 लिखते हैं, और a प्लस बी बराबर लिखते हैं 150, तो b से b कट जाएगा, आएगा 2a बराबर, यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे 150 और 60 को, कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 150 और 210 आएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 105, a का मान आया 105, तो b का निकालेंगे कितना जाएगा a प्लस बी बराबर 150, तो b का मान दोस्तों आएगा 150 माइनस का ए, तो ए का मान 105 है, तो आ जाएगा 45 डिग्री, तो ए का मान आया 45, ए का मान आया 105, बी का मान आया 45, तो इसको यदि देखते हैं तो कौन सा आंसर राइट होगा। तो अभी दोस्तों इसका भी मान रेडियन में आ रहा, तो क्या करेंगे पहले बी को चेंज करते हैं, 45 × π/180, तो 4 बार में जाएगा तो π/4 बचेगा, तो बी का मान आया π/4। अब इसको सॉल्व करते हैं ए को, 105 × π/180, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितनी बार जाएगा यहाँ से, तो पहले 5 से काटते हैं, तो कितना आएगा 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 1, यहाँ कितना आएगा 5 से काटने पर, तो 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 30। अब देखिए आगे कितने कटेगा ये 3 से, तो 3 × 7 = 21 और यहाँ पर बचेगा 3 × 1 = 3 × 6, तो 7π/12, तो ये हो जाएगा ए का मान, ये हो गया ए का, ये हो गया बी का। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, वेरी इजी क्वेश्चन है, साइन 15° इज इक्वल टू एक्स, उसके बाद साइन 25° इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर आपको किसका मान ज्ञात करना है, साइन 40° का। तो आपको बताया कि साइन 40 की आप क्या लिख सकते हैं, आप लोग ये बताइए साइन 40 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 25 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 40 होता है, तो साइन 25 + 15 लिख सकते हैं इसको, साइन 40 को। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए प्लस बी का आपको फार्मूला भी दोस्तों पता होगा, यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो होता क्या है साइन ए तो 25 हो जाएगा, कॉस बी तो कॉस 15 हो जाएगा। आगे दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं प्लस, आगे देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अब साइन 25 हो गया ए, कॉस बी, अब यहाँ पर कॉस
25 इंटू साइन 15, तो 25 है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को वैल्यू किस चीज़ की पता है, एक पता है साइन 15 डिग्री की, एक पता है साइन 25 डिग्री की, किस चीज़ की नहीं पता, कॉस 15 की नहीं पता, कॉस 25 की नहीं पता। तो आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ मैंने बताया हुआ है कि साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉज स्क्वायर 15 इज इक्वल टू 1, तो कॉज स्क्वायर 15 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 15, तो कॉस 15 इज इक्वल टू अंडर रूट ऊपर लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 15, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 15, तो साइन का मान है 15, साइन 15 का मान है x, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये दोस्तों कॉस 15 की मान आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों आपको कॉस 25 का निकालना है, तो कॉस 25 में आ जाएगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर, तो दोनों वैल्यू पता हो गई। साइन 25 का मान दोस्तों y दिया हुआ है, उसके बाद कॉस 15 का मान आया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, कॉस 25 का मान दोस्तों अभी हमने निकाला 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट के अंदर, और आपका साइन 15 का मान पता है x, तो इसको हम लोग एक बार ऑर्डर में लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद x इंटू 1 माइनस का वाई स्क्वायर, तो यही हम लोग का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर मैच हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों जो डी नंबर विकल्प है x, देखिए यहाँ पर x को पहले लिखा गया, y को बाद में लिखा गया है, तो x उसके बाद 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें आपको विकल्प देखकर आपको घबराना नहीं है, आपको आराम से शांति से काम लेना है। साइन ए बराबर दिया हुआ है 4/5 और साइन बी बराबर दिया हुआ है 5/13, तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है साइन ए प्लस बी का मान। तो दोस्तों देखिए मैंने जो आपको बताया था फार्मूला, आपको बस वही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। देखिए फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉज ए का 1 माइनस रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए, तो ये आपको फार्मूला पता हुआ है, तो 1 माइनस साइन का दोस्तों 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो 25 में 16 घटाएंगे 9/25 बचेगा, तो ये आ गया। अब देखिए 9/25 को रूट से बाहर निकालेंगे, एक बार आएगा 3, एक बार आएगा 5, तो आपको पता है यदि कोई भी संख्या रूट के बाहर आती है तो एक बार प्लस में आती है, एक बार माइनस में आती है, इसमें वो फंडा लगाया गया है, हर जगह नहीं लगता लेकिन जहाँ पर लगता है तो वहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उसी तरह के विकल्प भी दिए गए हैं, तो प्लस माइनस का 3/5 आ गया। अब इसी तरह दोस्तों कॉस बी का मान निकालेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो 1 माइनस 5/25 और 13 का 169, तो इधर आएगा दोस्तों 144/169, 144 का 12 होता है, 169 का 13 होता है वर्गमूल, तो इधर भी दोस्तों प्लस माइनस में आ जाएगा। अब देखिए साइन ए प्लस बी, यू नो वेरी वेल दोस्तों आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो पहले हम लोग प्लस वाले लेते हैं। प्लस वाले क्या हैं, पहले साइन ए का मान दोस्तों यहाँ पर 4/5 पता है हम लोग को, इंटू कॉस बी का मान 12/13 निकाला गया है, कॉस ए का मान 3/5 प्लस वाला लिया हमने, और साइन बी का मान अभी आपको निकाला दिया हुआ था 5/13, 12 चौक दोस्तों 48 होता है, 13/5 होता है, 5 3 15 होता है, 13/5 होता है, तो कितना जाएगा दोस्तों 48 15 जोड़ेंगे एक बार तो 63/65 आ जाएगा, तो दोस्तों ये एक वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसी में दोस्तों आपको देखिए यदि आप प्लस माइनस में भी रखना चाहते हैं तो प्लस माइनस में भी रख सकते हैं, यदि आप अलग अलग रखना चाहते हैं तो अलग अलग भी रख सकते हैं। देखिए अभी हमने क्या रखा था, कॉस ए का मान प्लस रखा था और कॉस बी का मान प्लस रखा था, अब एक बार दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर उसके बाद एक बार माइनस एक बार इसको प्लस, फिर दोनों को एक बार माइनस माइनस, तो इस तरह आपकी चार वैल्यू प्राप्त होंगी। अभी एक प्राप्त हुई है, जब प्लस और माइनस रखेंगे मतलब कि इसको प्लस इसको माइनस दूसरी प्राप्त होगी, इसको माइनस इसको प्लस तीसरी प्राप्त होगी, दोनों माइनस माइनस तब आपको चौथी प्राप्त होगी। चलिए एक हम लोग प्लस माइनस करके एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि विकल्प तभी दोस्तों फाइंड आउट होगा जब आपको दो वैल्यूज प्राप्त होंगी, तो हो गया साइन ए प्लस बी। अब देखिए साइन ए का मान दोस्तों आपको पता है 4/5, फिर दोस्तों इसमें हम लोग कॉस बी का मान रखेंगे, तो कॉस बी का दोस्तों यहाँ पर हम लोग को मान पता है जो हमने निकाला था, तो यहाँ पर एक बार प्लस वाला रखेंगे। अब दोस्तों देखिए आपको ये थोड़ा मेथड जो होगा थोड़ा लॉन्ग लग रहा होगा,
तो एक काम हम लोग ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम लोग प्लस माइनस का मान डायरेक्ट इकट्ठा रख दें। देखिए इकट्ठा कैसे रखते हैं, तो आपके लिए छोटा भी हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला लिखते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए का दोस्तों मान बता 4/5 इंटू कॉस बी का मान आया था प्लस माइनस का 12/13। उसके बाद कॉस ए का मान दोस्तों हम लोगों ने निकाला हुआ था, कॉस ए प्लस माइनस का 3/5 प्लस माइनस का 3/5। और साइन बी का मान दोस्तों दिया हुआ होगा यहाँ पर, साइन बी वेयर इज क्वेश्चन ये है, तो 5/13, तो 5/13। अब देखिए दोस्तों 12 × 4 में 48, 13 × 5 में 65, प्लस माइनस लिख लिया, प्लस 5 × 3 में 15, 13 × 5 में 65, प्लस माइनस लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर माइनस होता तो माइनस प्लस, देखिए यहाँ पर अगर माइनस होता तो क्या होता, माइनस प्लस माइनस इधर प्लस हो जाता, साइन परिवर्तित हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो प्लस 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 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो क्या होगा, प्लस माइनस 48/65 प्लस माइनस 15/65, तो अपॉन में 65 प्लस माइनस 48 प्लस माइनस 15। अब देखिए एक बार प्लस प्लस करेंगे तो 48/15 कितना आएगा, 63 आएगा। एक बार माइनस माइनस करेंगे तो 48/15 कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो प्लस माइनस का एक बार प्राप्त हुआ 63/65। एक बार क्या करते हैं दोस्तों, प्लस माइनस करते हैं माइनस प्लस करते हैं, तो कितना आएगा प्लस माइनस का, वहाँ पर भी आपका एक बार ये बड़ा हो जाएगा 48, एक बार 15, तो यहाँ पर कितना आएगा 33/65। तो यही हम लोग का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर मैच किया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो 18 का सी नंबर है यहाँ पर ये विकल्प मैच कर गया। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो भी दोस्तों अब 30 मिनट से ऊपर हो गई है। तो बाकी के जो बचे क्वेश्चन हैं दोस्तों वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के इस वीडियो में कितने क्वेश्चन कवर किए एक बार चेकआउट करते हैं। तो 9 नंबर से दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 18 नंबर तक लगभग 9 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू दोस्तों कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।